ਸੀ ਬੇਟਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਵੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਲਿਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਵੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਵੀ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਵੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਰੀ ਨਾਗ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਝਲਕਾ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਨਾ, हाँ, तेरा पहला झलका, ठीक है, कविता है एक, ठीक है, दस दी भी इस कविता ने कुदरत के बारे दसा है, ठीक है, ठीक है। भाई वीर सिंह कुदरत का कवि भी कहा जाता है। इस तो इलावा भाई वीर सिंह छोटिया कवितावां दे, छोटिया या निकिया कवितावां दे पितामा भी कहा जाता है। भाई वीर सिंह छोटिया कविता नाम है, यह कविता है वही नाग दा पहला झलका, भी जिन्हें थोड़े कुदरत के बारे दस, ठीक है, छोटिया कवितावां दे पितामा, ठीक है, उन्होंने छोटिया कवितावां दे पितामा भी कहा जाता है। छोटियां कवितावां दे वड्डा कवि, ठीक है, छोटियां कवितावां दे वड्डा कवि भी कहा जाता है। वड्डा कवि भी लिख लो, पितामा या वड्डा कवि वर्ड भी लिख लो। छोटियां कवितावां दे पितामा या वड्डा कवि भी कहा जाता है। इन्हों का देहांत लिखवाया सी मैं, कदों होया सी, नहीं लिखवाया, वो भी लिख लो। छोटियां कवितावां दे वड्डा कवि भी कहा जाता है। 13 जून 1957 देहांत होया सी, जबकि स्वर्गवास होया सी, ठीक है, जब सानू सदा लई सदीवी विछोड़ा दे रहे सन, ठीक है, ते पितामा भी आ सकता है, वड्डा कवि भी और लिख लो, वड्डा कवि या पितामा, क्लियर है। दो तीन क्वेश्चन रह गए सी भाई वीर सिंह ने, मैं लिखवाते हैं, ठीक है, लिख ले बेटा, सबने नोट कर ले। हुण बेटा असीं अणडिठी काव्य टुकड़ी करांगे, तुसीं अपनी वो पेयर नोटबुक ते लिखनी अणडिठी काव्य टुकड़ी। नीवी नानका गुरशान, यस बेटा, नहीं लिखवाई गुरशान, यस जी एन जानवी, टी एन जानवी, यस बेटा, यस मैम लिखवाई थी, लिखवाई सी ना, हाँ लिखवाई सी, ठीक है, चलो फर्स्ट टू लाइन तो सी लिखो, तो मिठा नीवी नानका, ठीक है, ठीक है, वे मिठा जी आइडेंटिटी कार्ड टुकड़ी लिखवावांगी ना, ठीक है, वो लाइना तो सी ऐसे आना ना, मिठा नीवी नानका ओदे विच भी लिख सकदे, ठीक है, पूरा पहला लिखवाया सी, तो शायद याद आ जाएगा, लिखवावांगी, लिखो आइडेंटिटी कार्ड टुकड़ी, सिमल रुख सराय दा सिमल रुख सराय दा अत दीरक अत दीरक अत मुच नेक्स्ट है, ओए जी आवे आसकर, ओए जी आवे, ओए जी आवे आसकर, जाए निराशे कित, जाए निराशे
हित फल फल फीके फल फीके फूल बक बके फल फीके फूल बक बके कम नावे पत कम नावे पत मिठा नीवी नानका फुलच न्याया तत मिठा नीवी नीवी नानका गुण चंगियाईया तत जाए ओए जी आवे ओए जी आवे आस्कर जाए निराशे कित फल पीके फुल बक बके कम न आवे पत मिठा नीवी नानका गुण चंगियाईया तत दसो ये जी तुम कित एक जी कोटेशन है कविता ही लाइन है कितों ले आई है क्लियर ही हो रहा है ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਏਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 17 ਹੈ ਅੰਟਿਕੀ ਕਾਰਪੂਤੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ अत दीरग अत मुच सिमल रुक इना सत्रा दे विच गुरु जी ने गुरु नानक देव जी ने ठीक है सिमल दे रुख दी उदाहरण दी है सिमल की एक रुख का नाम है सिमल की एक रुख का नाम है सिमल रुख सरायरा सिमल की एक रुख का नाम है अत दीरग अत मतलब बहुत ज्यादा दीरग मतलब वड्डा अत मतलब बहुत दीरग मतलब वड्डा अत मुच बहुत ही ज्यादा वड्डा है गुरु जी कहते हैं कि सिमल का रुख बहुत ही ज्यादा वड्डकारी हुंदा है वड्डे आकार का हुंदा है ओए जे आवे आस कर जे आवे मतलब जे कोई इस रुख उत्ते आंदा है ठीक है जा इस रुख दी मतलब कि कोई पशु पंछी ठीक है पंछी इस रुख उत्ते आके बैठता है ठीक है जानला पाने की कोशिश करता है या कोई इसके फल ठीक है खाने की कोशिश करता है जे कोई आस करके आंदा है आस कर ओए जी आवे आस कर जे कोई पंछी या मनुख इस आस से आंदा है कि इतो इस रुख तो कुछ मिलेगा ठीक है इस रुख तो कुछ उसको मिलेगा चाहे निराशे कित पर ओनू इस रुख तो सिर्फ निराशा ही मिलती है इस रुख तो की मिलती है सिर्फ निराशा ही हाथ आंदी कुछ मिलता नहीं है फल फिके फुल बक बके ये फल की फिके होंगे टेस्ट लैस जिंदा कोई टेस्ट ही नहीं है फुल जेडे की बक बके ना तारे कोई फुल किसे काम आंदे हैं हाँ काम ना आवे पत किसे दे काम आंदे ना वो पंछियां दे काम आंदे ना जानवर दे ते ना वो मनुखा दे ठीक है क्योंकि ये फल बड़े बक बके होंगे ते ना ता पंछी इतने आगे अपना आला बनांदे हैं ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਣਾ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆ ਤਤ ਮਿੱਠਾ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਮਿਠਾਸ ਨੀਵੀ ਮਤਲਬ ਨਿਮਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਨਕਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗੁਣ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹਨ भाव की इन्होंने सत्रह का मीनिंग की है भाव की जे कोई इंसान बड़े वे ठीक है बड़ी वीडी पोस्ट से लगा हुआ है ठीक है बड़ा पढ़िया लिखा है ठीक है बड़ा अमीर है पर जे उस दे विच मिठास ही नहीं है निमरता ही नहीं है ठीक है बोलन का अकल ही नहीं है तो वह इंसान कदे भी किसी के काम नहीं आ सकता ठीक है वह किसी को कोई फायदा नहीं कोई लाभ नहीं वो वे होता अमीर होता उच्ची पोस्ट लगे होता जो उस व्यक्ति उस इंसान ठीक है किसी गल करने की तमीज नहीं
या किसी ना माड़े शब्द बोलता है जो मिठास नहीं, ठीक है, ओदे उच्चे होंदा, ओदे वड़कारी होंदा, ओदे उच्ची पोस्ट से लगे होंदा, अमीर होंदा कोई फायदा नहीं है। भाव कि इस रुख के राही गुरु जी ने इंसान नु समझाया है, इस रुख की एग्जाम्पल लैके गुरबाणी दे विच इंसान नु समझाया है कि सानू, ठीक है, मिठास धारण करनी चाहिए, निम्रता धारण करनी चाहिए। एनी सिंबल दे रुख दे वांग जे असीं, ठीक है, जिहड़े सिंबल दा रुख किसी नु कोई फायदा नहीं दे सकता, इसी तरह जिस इंसान दे विच आए बड़ा पैसा है, धन दौलत है, बड़ा अमीर है, उच्ची पोस्ट से लगा है, जे पर किसी नाल गल नहीं करता, किसी की कदी उहदी मदद ही नहीं की, ओहदे वड्डे होण दा कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। समझ लग गई पैरा? क्लीयर है बेटा सब नु पैरा? अच्छी तरह कोई भी लाइन अगर नहीं क्लीयर देन प्लीज रेज योर हैंड, असीं क्वेश्चन करांगे क्योंकि इहदे विच मीनिंग भी आणगे तुहानू। समझ लग गई पैरा सब नु? वख वख टेस्ट लै जिहदा कोई स्वाद ही नहीं, ठीक है। सिम्बल रुख सरायरा, ठीक है, सरायरा मतलब कोई सरा आके पाता, कोई इत्थे आके रहिंदा है, ठीक है ना, सिम्बल का रुख है, बड़ा वडकारी का रुख है, कोई इत्थे आके आंदा है, इस वडकारी रुख के उत्ते आके कोई आला आला पाता है, या कोई इंसान जाता है कि तो सानू फल फूल मिलणगे, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। तो वन मार्क्स क्वेश्चन करिए बेटा, ठीक है, यस एंड नो क्वेश्चन से करांगे। फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला लिखो, दीर्घ शब्द का की अर्थ है, दीर्घ शब्द का की अर्थ है, हाँ, दीर्घ शब्द का की अर्थ है बहुत बड़ा, लिखो दीर्घ शब्द का की अर्थ है, दीर्घ, दीर्घ बेटा सरायरा का मीनिंग लिखो, सीधा मीनिंग लिख लो, सरायरा का मीनिंग है सीधा, इतना भी लिख लो, सरायरा का की मीनिंग है सीधा, सीधा सीधा नोट कर लो बेटा, इस वर्ड का मीनिंग पूछा सी ना बेटा, सलायरा का मीनिंग है सीधा स्ट्रेट, ठीक है, सीधा खड़ा होता है बिल्कुल, सलायरा शब्द का अर्थ लिखो सीधा, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट वर्ड लिखो पत, पत मतलब पत्ते, लीव्स, पत शब्द का अर्थ, पत शब्द अर्थ पत्ते, नेक्स्ट लिखो, हाँ लिखे ना ओए जी आवे आस कर, ओए तक मीनिंग इतने पंछी लिए आया है, ठीक है, जो कोई पंछी ये कोई आस करके आता है कि सानू इतों कोई फल मिलेंगे, ठीक है, वो मतलब पंछी, ओए शब्द अर्थ लिखो, लिखो पंछी, ओए शब्द पंछी, पंछी लिख सकते हो जानवर, ठीक है, गुरबाणी दे विच आया पंछी, ठीक है, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, पंछी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, इस कार टुकड़ी दे विच गुरु जी ने सब तो वड्डा गुण किस नूं कहा है, निम्रता, मिठास ते निम्रता लिखा, इस कार टुकड़ी दे विच बस गुरु जी ने सब तो वड्डा गुण केड़ा कहा है, बाकी भी लिख, सब तो वड्डा गुण किस नूं कहा है, मिठास ते निम्रता नूं, इस कार टुकड़ी दे विच गुरु जी ने सब तो वड्डा गुण किस नूं कहा है, हाँ आंसर लिखो, सब तो वड्डा गुण किस नूं कहा है, मिठास ते निम्रता नूं, ठीक है, ऑप्शन आन गए बेटा, कल्ला मिठास भी लिखिया आ सकता है, कल्ला निम्रता प्रोकर दोनों या कोई भी नहीं, ठीक है, इसलिए आने हैं, ठीक है, मिठास से नहीं मरता फिर दोनों ही है, ठीक है, मिठास से नहीं मरता, नेक्स्ट लिखो, बक बके शब्द ते निराशे शब्द आ, बक बके ते निराशे शब्द अर्थ, निराशे ते बक बके दोनों का,
हाँ निराश का कहते निराश होना है, निराश हो जाना बेटा लिख ले, निराशे शब्द अर्थ है निराश हो जाना, बक बके बेस्वाद, बक बके का अर्थ है बेस्वाद, इधर कोई स्वाद नहीं होता। नहीं फल ते फल फीके फुल पक पके दोनों नहीं क्या, फल ते फुल दोनों नहीं पड़ते, ठीक है, क्योंकि बेटा भाव है कोई समझाने का यत्न किया गया, ठीक है, जब आप किसी को समझा ली किसी चीज की एग्जाम्पल है पर कहते हैं कई बार कहते ना आप हम मदर अपने बच्चे को कहते मेरा पुत्र चंद वर्गा, ठीक है, मतलब चंद वर्गा कहना मतलब चंद कहना मतलब है सोना है, ठीक है, कोई समझाना है मतलब, ठीक है, किसी ऐसे तरह भी गुरु जी ने समझाया है, ठीक है, निराशे दा निराशा ते बक बके बेसवादे, इस कार एक काव टुकड़ी बेसवादे, इस कार टुकड़ी दे विच किस नू समझाने की कोशिश की गई है, गुरु जी ने किस नू समझाने दा, हाँ मनुख नू, इस अंडी कार टुकड़ी दे विच गुरु जी ने सिंबल दी रुख ले सिंबल दे रुख दी दार लेके किस नू समझाया है या किस नू समझाउन दा यतन कीता है, इस कार टुकड़ी दे विच गुरु जी ने किस नू समझाउन दा यतन कीता है, इस कार टुकड़ी दे विच गुरु जी ने किस नू समझाउन दा यतन कीता है, नेक्स्ट कार टुकड़ी होने मनुख नू, लास्ट क्वेश्चन आंसर है मनुख नू, किस नू समझाउन दा यतन कीता है, मनुख नू, नन्ना नन्ना मनुख नू, क्लियर है फर्स्ट कार टुकड़ी बेटा, एक वाली कार टुकड़ी भी थोड़ी क्लास में कराइए क्योंकि नाइन ते भी ना, दाता दिया बेपरवाहियां तो ओ बेपरवाह डरिया कर, सुनो बेटा अगली कार टुकड़ी प्लीज ऑनलाइन वाले या ऑफलाइन वाले बच्चे दसना, दाता दिया बेपरवाहियां तो ओए बेपरवाह डरिया कर, तू हरदम दम दम करता है, दम देने ने दम भरिया कर, चांदी दिया गिन गिन ठीकरिया, तू रात दिने ना मरिया कर, ओ पल भी जल थल कर दिंदा है, ए सागर सोच के धरिया कर, ए दुनिया तिलकन बाजी है, तू पैर समझ के धरिया कर, दसो करवाई टुकड़ी है वाली खाव टुकड़ी करवाने नहीं करवाई ना ऑनलाइन वाले बच्चे, जानवी यस बेटा बहुत अच्छी कार टुकड़ी है, जानवी बेटा गुलशान ओ मैम ओके ओके, नेक्स्ट कार टुकड़ी सेकंड है, देखो दाता दिया बेपरवाहियां तो, दाता दिया बेपरवाहियां तो, दाता दिया बेपरवाहियां तो, मीनिंग तू दसने मैं तो, ओए बेपरवाह डरिया कर, ओए बेपरवाह डरिया कर, तू हरदम दम दम करता है, तू लिख लगी तू हरदम दम दम, तू हरदम दम 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 करता है, अनडिटी कार टुकड़ी सेकंड है बेटा, अनडिटी कार टुकड़ी करवा रही है सेकंड पैरा, तू हरदम दम दम करता है, दम देने ने दम भरिया कर, दम देने ने दम भरिया कर, चांदी दिया गिन गिन ठीकरियां, चांदी दिया
गिन गिन ठीक रही हां ठीक रही हां चांदी दिया गिन गिन ठीक रही हां तू रात दिने ना मरिया कर तू रात दिने ना मरिया कर ओ पल विच जल थल कर दिंदा है ओ पल विच जल थल कर दिंदा ए सागर सोच के तरिया कर ए सागर सोच के तरिया कर ए दुनिया तिलकन बाजी ए दुनिया तिलकन बाजी ए ए दुनिया तिलकन ये दुनिया तिलकन बाजी ये तू पैर समझ के तरिया कर दोबारा रिपीट कर दिनी आ दाता दिया बेपरवाहिया तो ओए बेपरवाह डरिया कर तू हदम दम दम करदा है दम देरी ने दम भरिया कर दम देरी ने दम भरिया कर चांदी दिया गिन गिन ठीकरिया तू रात दिने ना मरिया कर ठीकरिया कैसे ओ पल विच जल थल कर दिंदा है ए सागर सोच के तरिया कर ए दुनिया तिलकन बाजी ए ठीक है तू तू पैर समझ के तरिया कर उन्हें दसो एक कार टुकड़ी दे विच किस नु संबोधन किया गया हाँ हाँ इंसान नु मनुख नु जो हर समय पैसे दे पिछे दौड़ी रखता है ठीक है इंसान नु कवि ने जरा कि संबोधन किया है जो इंसान हर समय ठीक है पैसे इकट्ठे करने विच लग्या रहता है हाँ बेटा हाँ मनुख नु जागरूक करने वास्ते भी दसिया है दाता दिया बोलो बेटा दाता दिया बेपरवाहिया तो ओए बेपरवाह डरिया कर बेपरवाह किनू कहे कवि ने इंसान नु मनुख नु बेपरवाहिया जो किसी की परवाह नहीं करता बेपरवाहिया जो किसी इंसान की परवाह नहीं करता कोई मुसीबत च होवे साडू की ठीक है इंसान जो किसी की परवाह नहीं करता ठीक है दाता मतलब परमात्मा दाता दिया बेपरवाहिया तो ठीक है इंसान नु कहे कि तू हर समय परमात्मा तो डर के रह ठीक है कवि इंसान नु संबोधन करता है कहे कि हर इंसान नु परमात्मा तो डर के रहना चाहिए है ठीक है ओ पता नहीं किस वेले राजे नु फकीर बना देवे ता फकीर नु राजा ठीक है उसका कोई पता नहीं ठीक है इसलिए जेड़ा कि सानू हमेशा परमात्मा तो डर के रहना चाहिए है उसकी बेपरवाही तो डर के रहना चाहिए ओए बेपरवाह डरिया का बेपरवाह ए बेपरवाह ठीक है इंसान नु किया है जो किसी की भी परवाह नहीं करता तू हर दम हर समय दम दम करता है तू हर समय दम दम मतलब हर समय दौड़िया ही फिरदा है ठीक है हर समय कोई ना कोई काम दे विच पैसे पिछे दौड़िया ही फिरदा है दम दम करदा हर समय पैसे दे पिछे दौड़िया फिरदा है इंसान की असीं सारे पैसे पिछे दौड़े फिरदा है ठीक है हर समय जिहड़ा इंसान है पैसे दे पिछे दौड़िया फिरदा है हर दम 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 करदा है भाव कि इंसान हर समय दम दम करदा है पैसे दे पिछे ही दौड़दा है दम देने ने मतलब ए दम देना है
ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਮ ਦੇਣੇ ਨੇ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਮ ਦੇਣੇ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗਣੇ ਆ ਦਮ ਦੇਣੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗਣੇ ਹਨ ਔਰ ਹਰ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦਮ ਇਹ ਦਮਦਾਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦਮ ਦੇਣੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦਮ ਭਰਿਆ ਕਰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਦਮ ਦੇਣੇ ਨੇ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗਣੇ ਹਨ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀਣਾ ਝੂਠ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇਣੇ ਮਤਲਬ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗਣੇ ਹਨ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦਮ ਭਰਿਆ ਕਰ ਇਸ ਲਈ ਦਮ ਭਰਿਆ ਭਾਵ ਕਿ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦਮ ਭਰਿਆ ਕਰ ਭਾਵ ਕਿ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ ਹਰੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਸੇਮ ਸੇ ਮੀਨਿੰਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਿਕਲਣਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਠੀਕਰੀਆਂ ਭਾਵ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚੰਦ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਤੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਨਾ ਮਰਿਆ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮਰਿਆ ਕਰ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੌੜ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪਲ ਵਿੱਚ ਜਲ ਥਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲ ਵਿੱਚ ਜਲ ਥਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਲ ਥਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਭਾਵ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਦੂਸਰੇ ਪਲ ਤੂੰ ਖਤਮ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਲ ਤੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਥਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਗਰ ਸੋਚ ਕੇ ਤਰਿਆ ਕਰ ਇਹ ਸਾਗਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਿਲਕਣ ਬਾਜੀ ਭਾਵ ਕੀ ਕਵੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਇੱਕ ਤਿਲਕਣ ਬਾਜੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਹਾਂ ਤਿਲਕਣ ਬਾਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਰਿਹਾ ਸੋਚੋ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਹੋਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੋ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਦੁਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ 9:00 ਵਜੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਓਕੇ ਬੇਟਾ